This is my project in human assistant robot by using Arduino microcontroller. I am Aswani Kumar Sahu, in student RSR RCET Rungta Bhilai. हम लोग जो माइक्रो कंट्रोलर्स में हम लोग कोई भी कोड अपलोड कर सकते हैं, कोई भी लॉजिक अपलोड कर सकते हैं जो कि सी लैंग्वेज में लिखा जाता है। हमारा जो आर्डिनो है 5 वोल्ट के पावर सप्लाई पे काम करता है, तो 5 वोल्ट का आप चार्जर के थ्रू या बैटरी के थ्रू इसका पावर सप्लाई करेंगे, लैपटॉप के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, यूएसबी पावर के थ्रू यहाँ से कनेक्ट रहेगा, जो यूएसबी की ए टू बी केबल रहती है। ऑडिनो पावर सप्लाई होने के बाद यहाँ पे बेसिकली आपके ग्राउंड पिन रहते हैं और 5 वोल्ट पिन रहते हैं। ऑडिनो में एक 5 वोल्ट का पिन दिया जाता है और लगभग 3 ग्राउंड पिन दिए जाते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे बहुत से कंपोनेंट यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, जिस लाइक ब्लूटूथ हो गया, बजर हो गया, आपका यहाँ पे IR हो गया, अल्ट्रासोनिक सेंसर हो गया, कई सारे मॉडल आपके वर्क कर रहे हैं। सभी डिवाइसेज में कॉमन बात यह रहती है कि हर किसी को 5 वोल्ट की सप्लाई चाहिए रहती है और साथ में ग्राउंड चाहिए रहता है। क्योंकि हमारे पास एक ही ग्राउंड है, इसलिए हमने इसका यहाँ पर ब्रांचिंग किया हुआ है कि एक 5 वोल्ट यहाँ पर आने के बाद मल्टीपल 5 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ब्रांचिंग हो जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक एक पिन है, तो हर पिन को एक एक 5 वोल्ट से कनेक्ट किया जा रहा है। चाहे आपका आप अल्ट्रासोनिक के लिए देखें, ब्लूटूथ के लिए देखें, हर डिवाइस में मतलब आपका 5 वोल्ट का सप्लाई आपको होनी चाहिए। तो दो पिन सबके 5 वोल्ट और ग्राउंड हमने कनेक्ट कर दिया, यहाँ से 5 वोल्ट, यहाँ से ग्राउंड। अब इसके बाद 5 वोल्ट ग्राउंड कनेक्ट होने के बाद में हमारा काम रहता है कि हम इंस्ट्रक्शन इनपुट लें या इनपुट दें। हमारा जो ऑर्डिनो है वो इनपुट लेता भी है और आउटपुट देता भी है। इनपुट हमारा इनपुट डिवाइसेस के थ्रू आएगा। हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं IR सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर, ब्लूटूथ, जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों का ही काम करता है। अब बजर देख लें, बजर आपका आउटपुट का काम करता है और ये मोटर है, दोनों मोटर आपका आउटपुट का काम करेंगी। तो इनमें हमने अलग अलग पिन नंबर दे दिए हैं, पिन नंबर 7 और पिन नंबर 11 मोटर के लिए हैं, और बाकी आपके अलग अलग डिवाइस के लिए आप चेक कर लीजिएगा अपनी कोडिंग में। IR सेंसर के थ्रू अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे सामने आता है, कोई भी ऑब्स्टिकल सामने आता है, तो पर्टिकुलर 3 सेंटीमीटर की रेंज में अगर ऑब्स्टिकल सामने आता है तो मोटर को चलने का इंस्ट्रक्शन देता है। सही, अगर ऑब्स्टिकल यानी कोई भी ऑब्जेक्ट सामने आता है तो मोटर को रुकने का इंस्ट्रक्शन देता है, अदरवाइज मोटर चलते रहेगी। आपने यहाँ पे स्विच भी बनाया हुआ है, कहाँ गया आपका स्विच, ये है। इस स्विच के थ्रू हमने 5 वोल्ट को किया हुआ है कि हम लोग 5 वोल्ट को कम ज़्यादा कर सके, बंद चालू कर सके। कहने के मतलब जब आपका स्विच ऑन रहेगा तो आपकी 5 वोल्ट की सप्लाई होगी, अदरवाइज 5 वोल्ट की सप्लाई नहीं होगी। तो अगर आपके सेंसर की इस रेंज में, मान लीजिए आपका पर्सन खड़ा है, इमेजिन करते हैं हम लोग, तो जब तक इस रेंज में खड़ा रहेगा तब तक आपकी मोटर रुकी रहेगी। जैसे जैसे पर्सन आगे बढ़ेगा, मोटर को आपकी सेंसर को इनपुट मिलना बंद होगा, तो सेंसर इनपुट नहीं देगा, जिस वजह से मोटर चलने लग जाएगी। और जैसे इसके सामने फिर से पर्सन आ जाएगा, फिर से मोटर रुक जाएगी। तो यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है। तो पर्सन या तो ज़्यादा पीछे छूट जाए या ज़्यादा आगे चले जाए, किसी भी सिचुएशन में आपकी मोटर आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर पर्सन ठीक इसके नीचे है तो मोटर आगे नहीं बढ़ेगी, मोटर रुकी रहेगी। तो ये आपका यही बेसिक प्रिंसिपल है। और मोटर आपकी 150 RPM की मोटर है दोनों, और 5 वोल्ट की सप्लाई तो हो रही है। बस मोटर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ पे हमने डायोड का यूज़ किया और रेजिस्टर का यूज़ किया है और ट्रांजिस्टर का यूज़ किया। ट्रांजिस्टर बेसिकली स्विचिंग डिवाइस का काम करता है, क्योंकि हमारा जो ऑर्डिनो रहता है बहुत ही मिली एम्पियर के करंट पे काम करता है, और हमारी मोटर है जो हाई वोल्ट के करंट पे काम करती है, 5 वोल्ट के करंट पे काम करती है। तो मुझे अगर यहाँ से करंट देना है तो सबसे पहले इस करंट को मैं एक रजिस्टर के थ्रू ले जाता हूँ, ताकि करंट बहुत ही और भी लो हो जाए और वो जाके ट्रांजिस्टर में जाए। ट्रांजिस्टर के 3 पॉइंट रहते हैं, बेस आपका यहाँ पे ऑर्डिनो से आएगा। तो यहाँ पे आपने देखा है जो छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, दो, एक इस साइड लगा, ये आपका एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये जो आपका हाफ सर्कल वाला देख रहे हैं, एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ना, तो दो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। ट्रांजिस्टर बेसिकली स्विचिंग डिवाइस का काम करता है, जैसे उसे पावर मिलेगी वो मोटर तक करंट सप्लाई होने देगा, अगर उसे मतलब सिग्नल नहीं मिलेगा तो करंट सप्लाई नहीं होने देगा। तो इससे होगा कि ऑर्डिनो जब सिग्नल देगा तभी मोटर चलेगी, अदरवाइज मोटर नहीं चलेगी। तो ट्रांजिस्टर मोटर को कंट्रोल कर रहा है। सेम टू सेम रजिस्टर जो रहता है वो करंट की जो डेंसिटी रहती है उसको कम करने के काम में आता है। और एक और डिवाइस हमने यूज़ किया कंपोनेंट, दैट इज़ डायोड। डायोड इसलिए हमने यूज़ किया कि कई बार अगर गलती से हमारी मोटर रिवर्स डायरेक्शन में घूमती है तो हमारा करंट भी रिवर्स डायरेक्शन में जनरेट हो जाएगा। तो उस रिवर्स डायरेक्शन में करंट जनरेट होगा तो वो ग्राउंड के रास्ते से हमारे इसमें चले जाएगा ऑर्डिनो में, उससे उस समय हमारा पूरा सर्किट जल जाएगा। उससे बचाने के लिए हमने डायोड का यूज़ किया है। तो डायोड एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस का काम करता है आपका, बस यही है। जब इसको ऑन किया जाता है तो 1 सेंटीमीटर पर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो यह स्टॉप हो जाता है, एंड एक सेंटीमीटर से जैसे ऑब्जेक्ट हट जाता है फिर से मोटर रन करना स्टार्ट कर देता है। इन माय ग्रुप मी एंड माय 4 फ्रेंड लोकेश साहू, युवराज वर्मा, नरेंद्र श्रीवास, दीपक अग्रवाल, थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।